हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेडियंट गर्ल्स चैनल। आई होप आज आप लोगों को वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मेरे पास माइक है और ये माइक भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि आज की हमारी वीडियो है होम टाउन शू रैक वीडियो। तो देखते हैं कैसा शू रैक हमें रिसीव हुआ है, चलते हैं। सो गाइज, हमें ये शू रैक कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है। ये हमें डिसमेंटेड पोजीशन में रिसीव होगा। हमने ये प्रोडक्ट एक महीने पहले अराउंड ऑर्डर किया था, पर काफ़ी लेट डिलीवरी हुई है, शायद लॉकडाउन की वजह से। जब हमने ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, हमें ऑर्डर, तो उसके 2 दिन बाद ही हमारे पास टेक्नीशियंस का कॉल आ गया था और वो उसको असेंबल करने के लिए आ गए थे। सो गाइज, ये अब पूरा इसको असेंबल कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके के बोर्ड्स में हमें रिसीव हुआ है। और यहाँ पे ये इन्होंने जो आपको डिज़ाइनिंग में थोड़ा दिख रहा होगा, ये डोर है, वो शू रैक का डोर है। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, गैस ये वुडन नहीं है, ये लकड़ी से नहीं बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल, ये पूरा प्रोडक्ट पार्टिकल बोर्ड से बना हुआ है। पार्टिकल बोर्ड क्या होता है? पार्टिकल बोर्ड लकड़ी के बुरादे से बनाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट MDF बोर्ड से बना हुआ तो होता तो शायद ही ज़्यादा मज़बूत होता। तो अब ये लोअर पार्ट इसका रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टैंड लगा रहे हैं। ये सारे स्टैंड प्लास्टिक के हैं, ये प्लास्टिक यूज़ करा है इन्होंने स्टैंड में। और ये सारा पूरा जो शू रैक है, ये वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप इसको कभी भी क्लीन करना चाहते हो तो आप इसको सिर्फ डस्टिंग कर सकते हो। इसको गीले कपड़े से आप क्लीन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे इन्होंने क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं इन्होंने, जो कि बोर्ड को सपोर्ट देंगे। ये देखिए, फाइनल टच ऑलमोस्ट रेडी। बैक की बात करें तो ये जो यहाँ पे बैक यूज़ कर रहे हैं, ये अराउंड 3 mm अराउंड प्लाई या उन्होंने कोई पतला बोर्ड यूज़ किया हुआ है। ये भी बहुत हल्का था। सो गाइस, ये देखिए फटाफट इन्होंने कर दिया है, विद इन 15 मिनट्स इन्होंने पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया था। और ये रेडी हो चुका है हमारा शू रैक, ये है फाइनल टच। तो गाइस, काफ़ी स्पेशियस शू रैक है ये, और इसमें 3 पार्टीशन हमको मिलते हैं। और ये जो बोर्ड आपने बीच में देख रहे हो, ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये एक पिन पे टिके हुए हैं। काफ़ी पिन सपोर्ट दिया हुआ है बोर्ड्स के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिन्स हैं। अगर आप चाहो तो इनको बोर्ड्स को निकाल सकते हो, एक का पार्टीशन, 2 के पार्टीशन बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप इसको एडजस्ट। और आप यहाँ पे डोर में जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग देख रहे हो, वो एक वेंटिलेशन के लिए है कि शू आप रखते हो तो बहुत स्मेल आ जाती है, तो उसको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। साइड में हमें एक और पार्टीशन मिलता है, उसमें भी 3 पार्टीशन है। और आप उसमें कुछ भी अपना घर का सामान वगैरह कुछ रख सकते हो, नहीं शूज रखना चाहते हो तो आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर बात करें स्टैंड की, तो स्टैंड मैंने आपको बताया था कि ये प्लास्टिक स्टैंड यूज़ करा हुआ है इन्होंने, 5 स्टैंड यूज़ करें और ये 5 प्लास्टिक के हैं। सो मैं यहाँ पे इसको चेक कर रही हूँ, हिला के देख रही हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, कितना भार झेल सकता है। तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, ठीक ठाक है। बैक यहाँ पे ये इन्होंने प्लाई जो लगाया हुआ है वो आप देख सकते हो। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस शू रैक को रेटिंग देना चाहूँगी 3 out of 5, क्योंकि क्वालिटी ठीक है बट प्राइस मुझे ज़्यादा लगे हैं। जैसे इसकी क्वालिटी है, इसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। बात करते हैं माइक की, माइक भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया।
सो गाइस, ये माइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी पसंद आया है, और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, इस बॉक्स में रिसीव हुआ था। और इस बॉक्स के अंदर हमें मिला था एक अडाप्टर, एक पाउच, ये माइक एंड इसके साथ में एक मेटल क्लिप। तो ये जब हमें ये पाउच रिसीव हुआ है, ये पाउच आपको कुछ इसलिए है कि अगर आप माइक यूज़ कर लें तो आप उसको उसके अंदर रख लें और आपके माइक सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो आप इस पाउच को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पाउच मुझे मिला है। और 3-पिन अडाप्टर मिलता है ये हमें, 3-पिन अडाप्टर इसलिए है अगर आप कुछ DSLR के लिए यूज़ कर रहे हैं इस माइक को, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें 3-पिन अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, माइक काफ़ी अच्छा है, साउंड भी काफ़ी अच्छी आ रही है, वॉइस काफ़ी अच्छी है इसकी, और एक क्लिप जो इसमें मिला है, एक मेटल क्लिप, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्लिप मुझे लग रहा है। सो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप भाई बहुत महंगा आपको माइक लेना होगा तब भी आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। आप ऐसा बिगनर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक है। तो अगर आपको ये माइक परचेज़ करना है तो इसका लिंक भी आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और शिवरैक का मैंने आपको पूरा हॉल वीडियो दिखाई दिया है कि कैसा शिवरैक आपको रिसीव हुआ है। अगर आप वो शिवरैक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार शिवरैक है, वो क्वालिटी अच्छी है, बट ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे ये नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर ठीक ठाक शिवरैक खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक कुछ अलग वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और यस, कोई भी अगर न्यू यूज़र है या कोई भी मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट करें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। बाकी बाय बाय, लव यू।